अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आंखें सूजी हुई हैं सोच सोच के मेरी, वो इसलिए यार एकदम से आपने मुझे आके उठाया और बोला उठो कि हमने जाना है इफ्तारी पे। और हम जा रहे हैं आज इफ्तारी पे अपनी बहन की तरफ, बहन को सरप्राइज़ देने। उसको नहीं पता था कि हम उसके घर आ रहे हैं। मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया हुआ, जो लोग मेरा व्लॉग देखते रहते हैं, कि हम दो बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। मतलब हम दोनों के जो हस्बैंड हैं वो आपस में भाई हैं। तो उन दोनों भाइयों का आपस में डिसाइड हुआ कि इफ्तारी पे हम उसके घर जा रहे हैं और उसको नहीं बताना। और आपने मुझे पूरे रास्ते बोलते रहे कि अपनी बहन को मत बताना कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा यार नहीं बताती हूँ। यहाँ पर आके उसको सरप्राइज़ दिया और वही दुनिया जहाँ की तमाम नेबतें इस डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। रोल, समोसे, कचौरियाँ और बिरयानी, मैक्रोनी, मेरे ख्याल से ब्राउनी भी उसने घर में बनाई हुई थी, चना चाट, फ्रूट चाट, सारी इफ्तारी घर की थी और बहुत ही मज़ेदार थी। हमने खूब सारी इफ्तारी की और यकीन जान जलेबियाँ भी थी, वो आई थिंक कैप्चर नहीं हुई क्योंकि सारे घर वाले बैठे हुए थे और लोग जो है कैमरे के आगे नहीं आते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम उन लोगों का ख्याल करें जो लोग कैमरे में आना पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल जी, यहाँ पर हमने गप्पे शप्पे लगाई और मेरी बहन मुझे कंटिन्यूसली जितना टाइम मैं वहाँ बैठी हुई थी मुझे यही बात कह रही थी, यार तुम बता के आती तुम और कुछ बना लेती। मैंने कहा अभी मैं तुम्हें बता के नहीं आई तो इतना कुछ बना हुआ है। बहरहाल घर आ गए थे, बहन के घर से आओ और साथ में जी 3-4 डब्बे बहन पैक ना करके दे, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे मेरी बहन ने निहारी पुलाव शलाव जो है चना चाट वगैरह पैक करके दे दी थी कि घर जाके इंजॉय करना। घर आई जी, सैरी की टेंशन नहीं थी क्योंकि बहन ने जो है सैरी का सारा इंतज़ाम मुझे करके दिया हुआ था। उसके बाद आके सो गई, सो के उठी और ये उसकी दीवी निहारी, यार क्या ही मज़ेदार ये निहारी थी। इसके ऊपर हमने लेमन को जी डाला, साथ रोटियाँ बनाई। चाय सिर्फ मैं पीती हूँ आजकल, आप ने रमज़ानों में चाय शायद छोड़ दिया। और सैरी वगैरह करने के बाद आबिर ने, सैरी अभी हो ही रही थी, आबिर ने कहा मुझे फ्रूट चाट बना दें, फ्रूट चाट वगैरह बना के दी। और फिर हम गए छत पे, छत पे चंदा मामा निकले हुए थे, मैंने कहा इनको भी रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉगिंग वगैरह की और आबिर जो है अपनी तस्बीहात पढ़ रहे थे, वॉक वगैरह कर रहे थे। और मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग के लिए शूट कर लेती हूँ। यार वैसे सरप्राइज़ देने की जो बात होती है ना वो अलग ही होती है। बहुत कम दिन रह गए और मैंने अभी तक अपना ईद का ड्रेस नहीं लिया। मुझे बताओ यार आप लोगों ने ले लिया, बल्कि कैसे बताओगे कुछ लोगों की वजह से। यार कॉमेंट्स बंद हैं, खोल दूँगी सोचती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बोलती हूँ यहाँ बड़ी नेगेटिविटी आएगी। नीचे आई और काम वाली मैडम जो है छुट्टियों पे हैं ईस्टर की वजह से। ईस्टर एक दिन का है लेकिन मैडम ने पूरे 4 दिन की छुट्टी मनानी है। लेकिन मैंने भी कहा चल कोई बात नहीं, तू अभी छुट्टियाँ ले ले, ईद पे मैं तुझे बुला लूँगी क्योंकि मेरी फैमिली भी आ रही है तो तेरा काम वगैरह एक्स्ट्रा होंगे। कपड़े धोए थे और कपड़े जो है मैंने फिर नीचे ही डाल दिए। मैंने कहा उतारने में आसानी होगी, छत पे होंगे तो मैं भूल भी जाती हूँ। और फिर इस तरीके से आज का डे एंड होता है। थोड़ा बहुत मैं अपने मुँह को भी रिकॉर्ड किया फिल्टर के साथ। वैसे आजकल मैं हनी मास्क लगा रही हूँ, कल बहन भी कह रही थी तुम्हारा चेहरा बड़ा साफ हो गया, तो जो जो चाहता है कि दानों के बगैर चेहरा हो वो हनी मास्क लगाए। बाय बाय।